सीतापुर जनपद के थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के अंतर्गत बीती 21 दिसंबर को गन्ने के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव मिला था, जिसके बाद मौके पर इमलिया पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी, साथ में सीओ सदर भी पहुंचे थे। उसके बाद आपको बता दें कि आज सीतापुर पुलिस ने उस घटना का खुलासा करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मैं आला कत्ल ज्यादा जानकारी के चलते हैं सीधे अपने कचना के संवाददाता धनंजय यादव के पास। तो धनंजय बताएं क्या मामला था और अब जो है किन अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्या खुलासा किया है? देखें निशान जी, आपको बता दें कि 20 तारीख यानी कि बुधवार की शाम को घर से निकले युवक का जो है 21 तारीख यानी कि बृहस्पतिवार की सुबह जो है एक गन्ने में शव पड़ा हुआ मिला था। पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने जिसकी जो है पहचान भगवान दीन मौर्य उम्र 45 वर्ष पुत्र मुल्लू मौर्य निवासी बेनीपुर गांव के रूप में की थी। जिसके बाद जो है सूचना पाके पुलिस के बाद जो है फॉरेंसिक टीम सीओ सदर राजू कुमार साव भी पहुंचे थे और जहां पर जो है उसका शव जो था वो खून से लथपथ था और जो उसका चेहरा था चेहरे पे चोट के निशान थे, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। उसके बाद उसका जो भाई है वादी बना कुंदन ने दो लोगों को जो है गांव के ही बेनीपुर गांव के ही रहने वाले दो लोगों को नामजद किया था, जिसमें जो है सुशील पुत्र रामकिशन सुचित पाल सिंह पुत्र अनंत पाल सिंह को नामजद किया था और जिसके आधार पर पुलिस ने जो है दोनों आरोपियों को 25 तारीख यानी कि सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है और जिसमें जो है आला कत्ल भी बरामद कर लिए हैं। धनंजय जी बताएं जो नामजद किए गए थे आरोपी उन्हीं को गिरफ्तार किया है और क्या वजह निकली इस हत्या की? निशान जी दोनों नामजद आरोपी हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जो मृतक है इसकी तरफ से कुछ टाइम पूर्व जो है एक मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें जो है सुचित पाल सिंह पुत्र अनंत पाल सिंह ये जो है जेल गया था, लगभग 6 माह पूर्व ये जेल से छूट गया आया था, तभी से ये जो भगवान दिन है इससे ये रंजित मानता था। इसी को लेके जो ये सुशील व सुचित पाल हैं इन दोनों लोगों ने बांस की डंडी से जो है पीट पीट कर जो है भगवान दीन की हत्या करके झबरी व जो है बेनीपुर गांव के बीच में अजय सिंह के गन्ने के खेत में शव को डाल दिया था। तो इसके ये माना जाए कि पुरानी रंजिश के चलते इसकी हत्या की गई थी। ये निशान जी पुलिस ने जो खुलासा किया है उससे यही जो है उसमें जो है पुलिस ने यही दर्शाया है कि जो है कुछ वह मतलब टाइम पूर्व जो है एक मुकदमा लिखवाया गया था जो मृतक है भगवान दीन उसके पक्ष से, उसी में जो है सुचित पाल जेल गया था, जेल से छूटने के बाद तभी से ये जो है भगवान दीन व उसके परिवार से रंजिश मानता था। पुलिस के द्वारा जो है अब क्या किया गया? पुलिस ने जो है थाना क्षेत्र में ही पड़ता है जगदीशपुर गोहरैया मेला मैदान, वहां से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार आला कत्ल गिरफ्तार करने के बाद जो है जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। धनंजय टीम में कौन कौन शामिल रहा? निशान जी इस टीम में आपको बता दें प्रभारी निरीक्षक इमलिया सुल्तानपुर प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव व उप निरीक्षक बाबू खा, आरक्षी सुरेंद्र सिंह और आरक्षी राहुल कुमार शामिल है। निशान जी आपको बता दें ये जो सुचित पाल है इसका आपराधिक इतिहास है, जिसके खिलाफ जो है पहले से ही मलिया सुल्तानपुर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 169/23 धारा जो है 363/366/328 व 7/8 पास्को एक्ट जो है पहले से दर्ज था। बिल्कुल, तो ये अपराधी जो है जो पकड़े गए हैं नामजद एक सुशील और दूसरा सुचित पाल, इससे जो सुचित पाल है बताते हैं कि गांव में ही जो है जो मृतक पहले था भगवान दीन मौर्य इसका पुराना विवाद चला था, जिसके चलते मृतक भगवान दीन ने पहले जो है इसके खिलाफ 169/23 में पंजीकृत कराया था, जिसके चलते सुचित पाल रंजिश मानता था और उसी से चलते जो है 21 तारीख को जो है बताते हैं कि इसी ने इन भगवान दीन की हत्या कर दी डंडी से और उसके बाद पुलिस ने जो है इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आज खुलासा किया। फिलहाल आपको बता दें कि जो ये खुलासा किया है इसमें सबसे बड़ी बात ये निकल के है कि सुचित पाल ये अभी 6 माह पहले ही बताया जा रहा है कि जेल से छूटकर आया था। फिलहाल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और भगवान दीन जो बेनीपुर गाँव का निवासी था जिसका शव 21 दिसंबर को अजय सिंह के गन्ने के खेत में मिला था उस मामले में पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय।
खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।